वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों, और वीडियो को दोबारा से क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम में मेरा मकबैंग देख रहे हैं, तो भाई उनसे मैं यही कहूंगा, भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले तो भाई लाइक कर देना और उसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आज क्या क्या खाने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो आज हमारे पास है पनीर, चीज, टमाटो और उसी के साथ भाई फ्रंट पे आप देख रहे हो सामने रखा भाई घुटवा साग। भाई मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी देखने में भी लग रहा है और आज दिन का टाइम हो रहा है ना, आज मैं दिन में मकबैंग कर रहा हूँ तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। साथ ही में भाई आप इधर राइट साइड देख सकते हो, ये है भाई छोले कुलचों के साथ जो छोले आते हैं ना स्पाइसी चटपटे, वही छोले हैं ये। और भाई साथ में आप जो सेंटर में यहाँ पे देख रहे हो ये रखी है भाई वेज बिरयानी काजू बादाम वाली। और ये बिरयानी कौन बना रहा है भाई, ये बना रहे हैं भाई हल्दीराम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना, आपको टेस्ट करना हो तो आप मंगवा लेना। ठीक ठाक रेट पे है, बढ़िया है। पहले मैंने बिरयानी वाली खाई नहीं है, इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने खाए हैं तो काफ़ी सही है, मतलब आप मंगवा सकते हो। उसी के साथ भाई हमारे पास है एक स्टफ नान। और फ्रेंड जब घुटुआ साग हो और मक्की की रोटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो भाई हमारे पास है ये दो बड़ी बड़ी मक्की की रोटी। तो भाई आज हम इंजॉय करने वाले हैं मक्की की रोटी ते सरसों का साग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस मुकबंग विद कुक। तो चलिए मकबैंग शुरू करते हैं। यार मक्की की रोटी ना वैसे तो हार्ड होती है पर मज़ा तो इसी के साथ है। तो ये आ गया भाई एक बिग बाइट घुटवा साग और मक्की की रोटी। मक्की की रोटी का मजा ना भाई घुटवा साग से ही है, सीरियसली। मक्की की रोटी और घुटवा साग भाई घर का बना हुआ है और बाकी की चीज टमाटो वगैरह मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। मजा देखो इसका, मतलब ये देखो यार शकल देखो इसकी भाई, इसकी कंसिस्टेंसी देखो, वाह। एक और बड़ा बाइट। भाई शक्ल तो इसकी भी देखने में ना एकदम लाजवाब है, एकदम चटपटे। मिर्ची तो इसमें दिख रही कटी हुई। ये आ गया भाई अपना स्टफ नान। पर एक बात बताऊं भाई, स्टफ नान बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब पराठे जैसा। ये देखो काफी कुछ भरा हुआ इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या भर दिया, मटर वगैरह पता नहीं क्या जो भी है। तो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। चीज टमाटो मैं पहली बार खा रहा हूँ, इसकी शक्ल वाह, आज सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है।
यार गुठुआ साग मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब मेरे ना किसी और चीज को ना मन ही नहीं कर रहा उसे खा लूं मैं। आज का पूरा वीडियो तो भाई गुठुआ साग को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, तो भाई अच्छा भी यही लग रहा है। इसके ऊपर पता नहीं आपको दिख रहा है, दिख रहा काजू भी रख दिया मैंने। दो पनीर के पीसेस, उसके ऊपर अपना वेज बिरयानी हल्दीराम की, और उसके ऊपर बिरयानी वाला पनीर। यार हमारे पास में एक पापड़ भी था और वो पापड़ ना ऐसे रखा रहेगा। अगर पापड़ छोटा नहीं है, पापड़ को ना फोल्ड कर दिया है इसलिए वो छोटा लग रहा है, अगर मैं इसको तो खोलूं तो टूट जाएगा, क्या फायदा। खा के देखता हूँ इसका रियल टेस्ट पता चलेगा कि मतलब फ्लेवर कैसे हैं। बहुत बेहतरीन। पहले पनीर के साथ एक बाइट लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे घुटुआ साग से। इतनी ज़्यादा रिच है, मतलब इन्होंने ज़्यादा ही उसको मतलब अच्छा बनाने के लिए ना जो काजू बादाम इसके अंदर डाले ना, वो मेरे को पर्सनली तो अच्छे नहीं लग रहे, बाकी भाई अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। थोड़ा घी और हो जाता ना इस टाइम तो मज़ा ही आ जाता, पर फिलहाल भी बहुत अच्छा है, घी पहले से डला हुआ है। सेट भाई मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा इसे देख के, बनाई इतना अच्छा है। ये थी फाइनल कॉल, मतलब पेट भर गया है, इसके बाद वैसे नहीं खाना चाहिए। एक बार अगर आपको डकार आ जाए ना, बर्पी, बर्पी कहते हैं शायद इंग्लिश में से, तो नहीं खाना चाहिए। भाई यार काफ़ी सारा सलाद था जो, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में। और आज तो खैर मैं दिन में बना रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं नाइट में वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, पुराने भी हो तो भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मज़े लेते रहते हो यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी साथ साथ ऑन कर देना। इसी तरह के ईटिंग शोज देखने के लिए हैप्पी ईटिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।